आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चुनाव भी कोरोना भी, डिजिटल होगी रैली या आचार संहिता लगाएगी लगाम, वीवीआईपी भी हो रहे कोरोना के गुलाम। जरूरी है सत्ता या जरूरी है जनता की जान, जरूरी या मजबूरी, लोकतंत्र का पर्व जरूरी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा, जिसमें चर्चा करेंगे हम आज कोरोना और चुनाव पर। यूपी का पंचायत चुनाव, बंगाल का विधानसभा चुनाव, हमने दोनों का परिणाम देखा है। हम सब ने अस्पतालों में तड़पते लोगों को देखा है, ऑक्सीजन के लिए जान गंवाते लोगों को देखा है, लाशों का ढेर देखा है, नदियों में बहते शवों को देखा है। लेकिन हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। रैलियों को स्थगित होते देखा है, जनसभाओं को डिजिटल होते देखा है, हमने देश में लोगों को जागरूक होते देखा है। तो यही है आज का मुद्दा कि कोरोना के बीच में एक बार फिर चुनाव होने जा रहे हैं और जनता कितनी जागरूक है, सरकार द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, और चुनाव आयोग ने भी अब ऐलान कर दिया है चुनावी तारीख का। तो कई चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है, और समय सीमा बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, जो लोकतंत्र का पर्व है वो आराम से यानी सही तरीके से संपन्न हो जाए। तो कुछ देर पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा का बयान सामने आया है कि देश के 5 राज्यों में आचार संहिता अब लागू होगी, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, 23 फरवरी को चौथे चरण का चुनाव होगा, पांचवें चरण का चुनाव होगा 27 फरवरी को, छठे चरण का चुनाव होगा 3 मार्च, और सातवें चरण का चुनाव होगा 7 मार्च को। 10 मार्च को मतगणना होगी। तो तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, और अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर जो सुविधाएं हैं वो कितनी बेहतर हुई है कोरोना के बीच। एक बार फिर से इलेक्शन होने जा रहे हैं और पूरी तैयारियों का दावा तो कर रहा है चुनाव आयोग, लेकिन क्या सच में जो चुनावी तैयारियां हैं वो पूरी है, सही है, और क्या इतनी तैयारियों में चुनाव कराना सही होगा। और इसी पे हमारे साथ चर्चा के लिए 2 मेहमान मौजूद है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जय तिलक जी मौजूद है, और साथ ही डॉक्टर जुड़े हैं हमारे साथ, डॉक्टर शहनवाज खान। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कोरोना के बीच एक बार फिर से चुनाव हो रहा है, तो क्या हमारी तैयारियां पूरी है, हम आपसे जानना चाहेंगे शहनवाज जी। देखिए अभी जो आज की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी अच्छी तैयारियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी वैक्सीनेशन का काम भी पेंडिंग पड़ा है, और WHO का कहना है कि हम लोग बूस्टर डोज दे रहे हैं, तो अभी बूस्टर डोज तक तो हम लोग पहुंचे नहीं है। अभी हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि हम लोग करीबन 100+ करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीनेशन हम लोगों ने दे दिया है, मगर अभी भी बूस्टर डोज के बिना ये चुनाव जो हो रहा है ये एक घातक रूप ले सकता है, क्योंकि भीड़ जिस तरीके से अभी चुनाव रैलियां हो रही हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, बाजारों पे उतनी सख्ती नहीं हो रही है, और लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जी अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने पहली और दूसरी कोरोना की लहर देखी, हमने पंचायत चुनाव, बंगाल चुनाव सभी देखा है, और एक ये तीसरा चुनाव है जिसको हम देख रहे हैं, अब आ रहे हैं हम इस चुनाव की तरफ, तो क्या सुविधाएं बेहतर हैं? जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जो तैयारियां की गई, क्या वो पूरी है? शिखा जी, देखिए चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है, और हर महापर्व जो है उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद ही जो जनता में निहित है, तो स्वाभाविक रूप से जनता की इसमें भागीदारी होगी, शासन तंत्र इसमें सम्मिलित होगा, निगरानी जो कमेटियां हैं सब इसमें सम्मिलित होगी, और गौर करें तो मौजूदा हाल में सबको कड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, चुनाव आयोग से लेकर के, सरकार से लेकर के, जो मतदाता है। जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह बंगाल के चुनाव के दरमियान या यूपी में पंचायत चुनाव हुआ, किस तरह से स्थिति जो है भयंकर हुई, और किस तरह जो है लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, अपने लोगों को खोना पड़ा जी। अब दूसरी बात यह उठती है कि अब आज की तारीख में जो है कितने हम लोग जो है महफूज हैं, तो चुनाव आयोग ने इसकी व्यवस्था तो फिलहाल की है, मसलन कि अब कोई भी रोड शो नहीं होगा 15 जनवरी तक, यानी मॉनिटरिंग होगी, कोई रैलियां नहीं होगी,
कोई साइकिल यात्रा नहीं होगी, पदयात्रा नहीं होगी, यानी वर्चुअल सब कुछ होगा। तो ये अपने आप में दो तीन मसलों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। एक यह कि यह जो चुनाव है भारतीय इतिहास का पहला चुनाव होगा जब रैलियों पर प्रतिबंध होगा, पदयात्रा पर, साइकिल पर, यानी पूरी तरह से जो संवाद होगा वर्चुअल होगा। तो ये अपने आप में एक नया प्रयोग भी है और साथ साथ जो है एक अवसर भी है। अगर इसको जो है थोड़ा सकारात्मक रूप में हम देखें तो जिस तरह से चुनाव में जो है धनबल बाहुबल का इस्तेमाल होता है, शक्ति प्रदर्शन होता है, कहीं ना कहीं जो उस पर भी रोक लगेगा और लोगों को एक नया अनुभव मिलेगा, राजनीतिक दलों को भी अनुभव मिलेगा। लेकिन एक बहुत ही चैलेंजिंग है, अब थोड़ा देखना होगा कि इस कसौटी पर देश की जनता, चुनाव आयोग कितना खरा उतरता है। शिखा जी, अरविंद जी, अगर हम देखें तो हमने बहुत कुछ सीखा भी है इस कोरोना काल में, हम डिजिटल हुए हैं और कई बदलाव भी देखने को मिले हैं। अगर बात करें डिजिटल रैलियों की तो ये भी एक सही माध्यम है, क्योंकि जिस तरह से वीवीआईपी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, बड़े बड़े नेता लोगों की भीड़ में जा रहे थे, पॉजिटिव हो रहे थे, और जो रैलियां कराई जाती है, जनसभा कराई जाती है, इसमें काफी धन का व्यय भी होता है, तो ये भी बचत होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमने अगर कुछ खोया है लेकिन काफी कुछ चीजें सीखी भी है इस कोरोना में। बिल्कुल शिखा जी, आपने सही कहा। देखिए, एक वक्त था जबकि रैलियों के जरिए ही राजनीतिक दल अपनी बातों को जो है जनता के बीच पहुंचाते थे। वो दौर तब था जब लोग काफी हद तक अशिक्षित भी थे और लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो जिसके जरिए, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए हर गांव से के गली का एक व्यक्ति भी है, वह जो है देश में क्या घटित हो रहा है अपने मोबाइल के जरिए जो समझ रहा है, जान रहा है कौन नेता क्या बोल रहा है, किन सरकारों की क्या नीतियां हैं, क्या योजनाएं हैं, लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आज की तारीख में अगर राजनीतिक दल चाहे तो इस तरह से भी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं बगैर बहुत अधिक धन खर्च किए हुए। वे धन जो है, मतलब अब हमें पुराना आंकड़ा याद है, लगभग 10,000 करोड़ रुपया खर्च होता है आज, और बढ़ गया होगा जी। तो अगर वे उन पैसों को जो है सामाजिक सरोकारों, लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च हो तो उसका ज्यादा जो है फायदा लोगों तक मिलेगा। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि कोरोना में हमने बहुत खोया भी है तो बहुत कुछ अनुभव भी मिला है, और इस अनुभव को अगर हम सकारात्मक ढंग से इस्तेमाल करें, और जिस तरह चुनाव आयोग जो है लोगों को ताकीद किया है, राजनीतिक दलों को भी कहा है कि आप जो नामांकन भी करें तो जो सुविधा एक है उसके जरिए करें, आप संपर्क में कमी करें, बहुत कम लोगों के साथ मिले जुले, या एक बूथ पर 1250 से अधिक मतदाता नहीं होंगे, ग्राउंड फ्लोर पर जो है बूथ बनाया जाए, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है एक सुरक्षा के साथ साथ हमें एक नया अवसर भी दे रही है, जिसके जरिए जो है हम आगे की यानी जो चुनाव होंगे उसके संदर्भ में भी इसका जो है आत्मानुसार कर सकते हैं। जी शहनवाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से बदलाव हुआ है, अगर हम पॉजिटिव चीजों को लेके चले तो कई लोग वैक्सीनेट हो गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश की गई है, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, बहुत अच्छी चीज है, और क्योंकि इस टाइम हमारे जो गांव की जो समस्या है, हम जिस जहां पर रह रहे हैं हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे वहां एजुकेशन दर क्या है। गांव के लोग अभी भी इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं गांव में, अभी भी आप जाकर के अगर आप देखेंगे तो गांव में मास्क नहीं हो रहा है। ये तो गवर्नमेंट की काफी ज्यादा जोर जबरदस्ती से ही टीकाकरण गांव में किया गया है। गांव के लोगों को पहले हम लोगों को ज्यादा एजुकेट करना पड़ेगा, उन लोगों को इस कोरोना का असली एक मतलब बताना पड़ेगा कि हाँ कोरोना में हम लोगों को किस तरीके से बचाव करना है। जी। और चुनाव तो कराना है, वर्चुअल रैली हम लोगों की चल रही है, अच्छी चीज है, और गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है, चुनाव आयोग ने भी कुछ फैसले ऐसे लिए हैं कि जो चुनाव कराने में आसान होगा। मगर ये जो चुनाव का पीक टाइम आ रहा है और वही कोरोना का भी पीक टाइम है, तो वहां पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा इसका जैसे पिछले हम लोगों ने सेकेंड वेव में एक भयानक रूप देखा है, वैसे ही अगर इस बार हम लोगों की चूक होती है तो उससे भयानक रूप देखने को मिल सकता है। जी अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से पीएम मोदी ने इससे पहले जनता को चेताया था, सावधान किया था कि सावधानी जरूरी है, लेकिन इसके बाद भी रैलियां होती रही, तो पीएम ने जिस तरह से सावधान किया था उसका पालन नहीं किया गया, पक्ष हो विपक्ष हो दोनों ने जमकर रैलियां करी, तो अगर डिजिटल माध्यम की हम और बढ़ रहे हैं तो क्या ये हम सही समय पर बढ़ रहे हैं या फिर हमने देर कर दी है डिजिटल होने के लिए? शिखा जी, एक संस्कृत में श्लोक है कि महाजनो येन गता सब पंथा, यानी जो बड़े लोग आचरण करते हैं उसके नीचे के लोग वैसा ही देख करके जो है आचरण करते हैं। एक लोकतंत्र में जो जनता की नुमाइंदगी करने वाले हैं, जिस नैतिक परिपाटी की स्थापना करते हैं, उस बुनियाद पर जो है जनता भी आगे बढ़ती है। तो बेशक जो है
ये कह सकते हैं हम लोग कि इसमें थोड़ी देरी हुई है। अगर ये कार्यक्रम जो है पहले ही अगर हो गया होता तो आज जो करीब 8% के दर से जो संक्रमण बढ़ रहा है या 1,00,000 से ऊपर जा रहा है तो शायद उसमें जो है कमी आ सकती थी। लेकिन चलिए, दे रहा है दुरुस्त है, अभी भी जो है मौका है जब हम आप इससे निपट सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए, नियम बना देने से, कानून बना देने से हर चीज का तब तक उसका मतलब नहीं निकलता है जब तक उसका अनुपालन न हो। अभी भी आप देखिए, हम आप बाजारों में जा रहे हैं, देख रहे हैं लोग किस तरह बेखौफ होकर के, न मास्क है, न सैनिटाइजर है, न दुकानों पर कहीं थर्मल स्कैनर है, पूरी तरह से एकदम उसी तरह वातावरण बना हुआ है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि कहीं, हम मानते हैं कि एक तरह से जिंदा दिल्ली है, लेकिन जानबूझ करके जो है आप जो है कुल्हाड़ी पर पांव रख रहे हैं, जानते हुए भी कि अभी कई महीना गुजरा जब हजारों लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो कहीं ना कहीं जनता की भी जवाबदेही है। देखिए, लोकतंत्र में जनता की जवाबदेही उतनी ही है जितनी सरकारों की है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग जो है अपनी जिम्मेदारी को राजनेताओं के कंधों पर, सरकार के कंधों पर ठेल करके निश्चिंत हो जाते हैं, उचित नहीं है। जनता को थोड़ा जो है प्रिकॉशन लेना होगा। जी अरविंद जी, हमने इस मुद्दे को कई बार उठाया है और ये सवाल भी किया है कि चुनाव जरूरी है या फिर लोगों की जान, जनता की जान। अब हमने पक्ष और विपक्ष दोनों से बात करी और दोनों का कहीं ना कहीं यही मत था कि चुनाव होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि चुनाव आगे टले, क्योंकि सत्ता परिवर्तित होती है नहीं होती, सबके मन में उत्साह होता है, उत्साह मतलब देखना चाहते हैं कि हमारी सरकार बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि इतनी मेहनत करी है सभी, इतनी तैयारी करी है, तो उसका परिणाम सभी जानना चाहते हैं। तो जब चुनाव आयोग की बैठक हुई थी तो उसमें ये चीज पूछी गई थी कि क्या चुनाव टालने चाहिए या निर्धारित समय पे होने चाहिए, तो सभी पार्टियों ने ये कहा कि निर्धारित समय पे होने चाहिए। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सभी लोग लापरवाह थे चुनाव को लेके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब चुनाव आयोग ने बैठक किया था सभी राजनीतिक दलों से, तो सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि नहीं, चुनाव जो है तय समय पे होना चाहिए। हमारे कुछ लोगों से बात हुई तो कुछ लोगों ने ये कहा कि देखिए, अगर हम विरोध करते चुनाव का तो ये कहा जाता कि अमुक पार्टी जो है हार के डर के कारण जो है चुनाव का विरोध कर रही है, वो है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सभी के मन में ये बातों को लेकर के एक तरह तरह की आशंकाएं लग रही थी। यानी अगर सत्ता पक्ष कहता कि नहीं चुनाव टाल दिया जाए, तो विपक्ष कहता कि देखिए, इनको हार का डर है इसलिए चुनाव टाल रहे हैं। अगर चुनाव होने दे रहे हैं, अगर कोई स्थिति बिगड़ती है, तब भी विपक्ष को कहने का मौका मिलेगा कि देखिए, हम लोग तो चाहते थे लेकिन जो है ये चुनाव करा दिया, ऐसी स्थिति बन गई, वैसी स्थिति बन गई। मेरा मानना है कि देखिए, किसी भी लोकतंत्र में चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, छोटा राजनीतिक दल हो, बड़ा राजनीतिक दल हो, सबकी जिम्मेदारी और सभी की जो है कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी जाके जनता तक ही पहुंचती है। यानी जनता की सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य की चिंता, ये उनकी सिर्फ प्राथमिकता में होनी चाहिए। लेकिन भारत में जिस तरह से रवायत बन चुकी है कि हमें सत्ता मिलनी चाहिए, चाहे एन के प्रकार, चाहे वो धन बल के बल पर या बाहुबल के बल पर, तो जो एक एक राजनीतिक तो मूल्य मापदंड हुआ करता था लोकतंत्र का, जो आपने कम से कम 60 के दशक तक देखा होगा, सदन में लोग डॉक्टर लोहिया बैठते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैठते थे या मौलाना आजाद बैठते थे, तो वो आज की तारीख नहीं। आज सबको हरकत है विधायक बनने की, एमपी बनने की, सरकार बनाने की। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोकतंत्र का जो एक परिभाषा है वो बदला हुआ है और आज जरूरत है उसी को पुनर्परिभाषित करने की। शिखा जी, जी तो जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव होते कई बड़े नेता नजर आए, अपनी रैलियों में दमखम दिखाने में किसी ने कोई चूक नहीं छोड़ी, लेकिन आखिरकार जो कोरोना का डर था, जो भयावह स्थिति हम दो बार देख चुके हैं, उसे सीख लेते हुए खुद विपक्षी पार्टियां हो या फिर पक्ष की पार्टी की बात करें, सत्ता दल की बात करें, सभी ने पीछे हटे और ये जो रैलियां थी, जनसभाएं थी, उससे खुद को दूर किया और डिजिटल माध्यम को अपनाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बदलाव देखने को मिला है। तो अब ये डिजिटल माध्यम जो अपनाया है, इससे युवा तो काफी जुड़ेंगे, क्या कहते हैं कि युवाओं के लिए ये कितना सही है और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तक पहुंच बना पाएंगे ये जनप्रतिनिधि? बिल्कुल बिल्कुल शिखा जी, अभी आज के दौर में सबके हाथ में मोबाइल है, लोग अपना बैंकिंग का काम भी कर रहे हैं, तमाम बच्चे जो कंपटीशन की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जो है उसी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं, डॉक्टर साहब लोगों से भी संवाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हर प्लेटफॉर्म जो है अब खुला हुआ नजर आ रहा है। तो एक चुनाव की जहां तक बात है, तो हमारे समझ से ये भी प्रयोग के तौर पे इस्तेमाल होना भी चाहिए और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग उस तरफ जो है राजनीतिक दलों को भी प्रेरित किया है। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि यह जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जनमत को प्रभावित करने के लिए भी। और आज की तारीख में देखिए, सभी लोग जो है जनता की नीतियों को, जैसा कि मैंने पहले बताया, उस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो यह आज की परिस्थितियां भी है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के लिए एक अवसर भी है और यह बेहतर अवसर है। महत्वपूर्ण बात यह सिखा जी कि इसमें एक आम आदमी जो 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 अच्छा राजनीति के बारे में जानकारी रखता है, राष्ट्र के बारे में रखता है, संविधान के बारे में रखता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होने के कारण या यूं कहिए कि बाहुबल न होने के कारण सियासी मैदान में नहीं उतरता है। अब वह सोच सकता है कि जब डिजिटल माध्यम के जरिए जनता को अपने पक्ष में लामबंद करना है, अपनी बातों को रखना है, तो वह अभी चुनाव की चुनावी मैदान में उतर सकता है। और मुझे लगता है कि यह जो है चुनाव सुधार की दिशा में जो है एक बहुत बड़ा कदम होगा। जी बिल्कुल शहनवाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से सड़कों पर बिना मास्क के दिख रहे हैं लोग, लापरवाही देखने को मिली रैलियों में, भीड़ के बीच में भीड़ का हिस्सा बनते हुए लोग दिख रहे हैं और आखिरी में सरकार पर ठीकरा फोड़ेंगे और अपनी लापरवाही को भूल जाएंगे, तो ये लापरवाही कितनी गलत है, हमें कितना जागरूक होना चाहिए? देखिए शिखा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भी इस चीज को बहुत ज्यादा नोट कर रहे हैं कि चाहे लखनऊ के बाजार हो या किसी आसपास और भी जगह के जो भी बाजार चल रहे हैं, जो भी मार्केट है, वहां पर अभी तक यही देखा जा रहा है कि किसी को कोरोना की गाइडलाइन के बारे में या तो पता नहीं है या वो इस चीज का फॉलो करना नहीं चाह रहा, उनको डर नहीं है। बल्कि पिछली वेव से हम लोग ये चीज सीख चुके हैं, लाखों लोग उस चीज उसमें मारे गए थे, लेकिन आज उन लोगों के अंदर से पूरा कोरोना का डर खत्म हो चुका है, उसको फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी इस पर सख्त है, गवर्नमेंट भी इस पर चालान का एक नियम बनाया है, मगर अभी भी जो हम बाजार में जाते हैं या हम जो ऐसी भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है कोरोना का, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है। ये जागरूक होना पड़ेगा जनता को, ये चीज जनता को स्वयं खुद करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी संभव नीति होती है वो बनाती है, चालान की नीति बना रही है, मगर थोड़ा सा जनता को भी इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। जी, तो जनता को जागरूक होने की जरूरत तो है ही। अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम पॉजिटिव वे से देखें तो काफी कुछ करा गया है सरकार द्वारा, वो चाहे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, कोरोना पे सख्ती लगाई गई हो कोरोना की रोकथाम के लिए, और साथ ही बात करें तो कोरोना काल में राशन वितरण किया गया, सरकार द्वारा बहुत काम किया गया है। लेकिन अगर चुनावी ढंग से देखें तो विपक्ष ने भी अपना काम किया है, जहां पे भी ढील देखने को मिली वहां पे सवाल उठाया है। क्या कहेंगे, कोरोना काल में कितना बदलाव आया है? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, सरकार की तो एक जिम्मेदारी है ही कि वह जो है लोगों को सजग करे, जागरूक करे, सतर्क रहे, ऐसा जो है कुछ नीतियां बनाए, नियम कानून गढ़े। देखिए साथ साथ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या जो कहिए जो प्रोफेशनल जो प्लेटफार्म है, जैसे डॉक्टर्स लोगों का जो है या जो और तमाम जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वे लोग भी अक्सर देखा जा रहा है कि जो है जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं या अपने अपने तरीके से जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है सरकार ने जहां कहीं भी लापरवाही बरती या कहीं उसे लगा कि सरकार इसमें बेहतर कर सकती थी, उसको लेकर के विपक्ष ने भी सवाल उठाया। तो मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र में की एक खूबसूरती है कि सभी लोग जन जन, चाहे वह सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, किसी बड़े मंच से जुड़े हों या सामान्य व्यक्ति हों, या सभी लोग एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो है अपनी बातों के जरिए सतर्क कर सकते हैं। तो यह एक अच्छी बात है और मुझे लगता है कि यह जो है प्रेरणा जो है लोगों के बीच भी जानी चाहिए और सबको जो है एक दूसरे की मदद के साथ जो है कहीं ना कहीं जो है रोक टोक भी करनी चाहिए। अगर कोई किसी को देखे कि भाई बिना मास्क के है तो उनसे कहे कि भाई आप ऐसा ना करिए, आप तो संक्रमित होंगे ही, दूसरे को जो है आप इस जो है खमखा परेशान करेंगे। तो कुछ कुल मिला करके जवाबदेही सबकी। शिखा जी, जी बिल्कुल शहनवाज जी, जिस तरह से रैली और जनसभाएं चल रही थी, एक डर था कि इतनी भीड़ है कोरोना का प्रसार होगा, लेकिन अब चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता भी लग गई, यानी कि जितनी रैली जनसभाएं थी इन सब पे रोक लग गई है, तो ये एक राहत भरी खबर है। क्या कहेंगे, कितना नियंत्रण होगा कोरोना पे? जी आशिका जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत बड़ी एक राहत की खबर है कि जिस तरीके से रैलियां हो रही थी, जिस तरीके से बाजारों में भीड़ लग रही थी और रैली, खासकर रैलियों के वजह से जो भीड़ आ रही थी, उससे एक बहुत बड़ा सा ये डर बना हुआ था कि ये कोरोना का जो एक वायरस है ये बहुत ज्यादा स्प्रेड होने के चांसेस थे। ठीक है, भीड़ कम हुई है, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी रैलियां की जाएंगी उससे काफी ज्यादा कोरोना में हम लोगों को एक बचाव मिलेगा। और इसके आगे के जो भी प्लान गवर्नमेंट करे, जो एक एक प्लान पे इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब वोटिंग का भी होना होगा तो वोटिंग में भी बहुत ध्यान पड़ेगा कि डिस्टेंस हम लोगों को बहुत जरूरी है। जी जी शिखा जी, जिस तरह से अब बूस्टर डोज लगने की बात भी सामने आई है, ज्यादा से ज्यादा लोग अब वैक्सीनेट हो गए हैं, तो कोरोना कितना कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है शहनवाज जी?
है, बूस्टर डोज लगने के बाद अभी वैसे क्योंकि बीच में अब इसका सीजन आया है, ठीक है, ये जब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि अमूमन जो नजला खांसी जुकाम, क्योंकि कोरोना का जो बेसिक स्ट्रक्चर देखा गया है वो इसी को ही अफेक्ट करता है, ठीक है, नजला खांसी जुकाम आने का टाइम क्या होता है, वो जनवरी का फरवरी का लास्ट, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चल रहे हैं तो इसका जो है एक हम लोगों को सतर्क रह करके और जो चुनाव होना है वो उसी आधार पे ही कराने होंगे लोगों को। जी अरविंद जी, जिस तरह से हमने पहले के चुनाव देखे हैं और उसको देखते हुए अब हम ये कह सकते हैं कि बदलाव तो हुआ है और सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, और कोरोना के इस काल में जब ये चुनाव हो रहा है तो जनता का जागरूक होना कितना जरूरी है। शिखा जी देखिए, अब चुनाव आयोग ने एक रोड मैप तैयार कर दिया है और राजनीतिक दलों को भी ताकीद कर दिया है कि आपको किस तरह से नामांकन करना है, किस तरह से चुनावी भागीदारी करना है, और मतदाता के लिए भी राहत भरी खबर है कि एक बूथ पर जो है 1250 लोग अधिक नहीं रहेंगे, वहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी, मास्क की व्यवस्था रहेगी, कुल मिलाकर के अब सभी लोगों को जो है सतर्क रहने की जरूरत है और वो गाइडलाइन का जो है पालन करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतर तरीके से इसको समझाया भी, तो कुल मिलाकर के अब सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी की समझ होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर लोग जिम्मेदारी से अपना अपना काम करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके, मास्क लगा के, सैनिटाइजर के जरिए, थर्मल स्कैनर के जरिए, तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना को परास्त किया जा सकता है। कहा जाता है ना कि गुफा में अंधेरा चाहे जितनी हो, किनारे पर रोशनी जरूर होती है, तो मुझे लगता है कि इस महासंकट से उभरने के लिए हम लोगों के पास रास्ता है, लेकिन इसके साथ साथ धैर्य की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है, और यह मुझे लगता है कि देश की सम्मानित जो जनता है कहीं ना कहीं जो इस धैर्य का परिचय देगी। शिखा जी, जी शहनवाज जी, कोरोना काल है और ऐसे में लोकतंत्र का पर्व भी है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि जनता अपना बचाव करते हुए जी इस पर्व को अच्छे से मनाए, वोट करने जाए, मगर अपना बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले आपने पिछली वेव का एक जो असर देखा था वो बहुत ज्यादा घातक रहा था, और इस समय हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि महाराष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा अफेक्ट हो चुका है अगर सारे राज्यों को मिला लिया जाए, उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारा दिल्ली आ रहा है जहां पर ओमिक्रॉन की भी केसेस मिल रहे हैं, यूपी क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी का क्षेत्र है, तो उसका हमें पूरा पूरा ध्यान रख करके हम लोग काम करना पड़ेगा। जो भी वोट डालने जाएंगे गांव में, जो भी पार्टी के संगठन के लोग हैं, वो लोग जाकर के इस चीज को जागरूक करेंगे कि वोट डालते समय हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, मास्क लगाना जरूरी है, ये गवर्नमेंट लेवल के साथ साथ ये जो गांव का चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे आने वाले समय में जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी से इस टाइम कई कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि वो लोग जाए घरों घर, इस चीज को भी समझाएं कि हम लोगों को, क्योंकि पिछले मैंने कुछ रिकॉर्ड उठा के देखा है तो जब भी इससे पहले महामारी आई है 100 साल या 200 साल या 300 साल पहले, तो ये महामारी दो से कम 3 साल 4 साल 5 साल चली है, क्योंकि इस साल हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि इस जो भी वैक्सीन बनती है वो अमूमन 5 से 6 साल मिनिमम टाइम होता है, लेकिन ये क्योंकि वर्ल्ड वाइड हमारे पास एक ऐसी समस्या आई है कि जिसकी वैक्सीनेशन हम लोगों ने 1 साल में हम लोगों ने इसकी तैयार कर ली है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, मगर इस चीज को हम लोगों को नजरअंदाज नहीं करना है कि आने वाला जो समय है वो बहुत ही ज्यादा भयभीत हो सकता है अगर इस पर जनता ने और सरकार ने इसको नजरअंदाज किया। जी अरविंद जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो राजनीति से जुड़े लोगों को खास तौर पे क्या संदेश देना चाहेंगे और हमारी जनता को? शिखा जी, बेशक चुनाव जो है महापर्व होता है जी, और इससे हमारी भावनाएं जुड़ी है, लेकिन कोई भी भावना जो है व्यक्ति के भविष्य से बढ़कर के नहीं होती है, यानी जान है तो जहान है, अगर आप जीवित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो इस लोकतंत्र के पर्व को और बेहतर ढंग से मना सकते हैं, और इसमें सबसे प्रमुखता से हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, जो यह महासंकट है इसे उभरने के लिए जो प्रिकॉशन की बात कही जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा या और जो जिम्मेदार एजेंसियां उनके द्वारा, कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, इसके अलावा जो अन्य जो प्रिकॉशन है, तो मुझे लगता है कि अगर इसका ही अनुपालन हो, ईमानदारी से हो, तो हमारे समाज से इससे बेहतर जो है और कोई उपाय नहीं हो सकता है, और लोकतंत्र के पर्व की दिशा में भी ये एक सार्थक कदम हो सकता है। शिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ अरविंद जयतिलक जी राजनीतिक विश्लेषक और डॉक्टर शहनवाज खान चिकित्सक जुड़े थे, तो दोनों से हमने चर्चा की और दोनों से जाना कि आखिर कोरोना के समय में जो ये चुनाव कराए जा रहे
रहे हैं, इसमें क्या कुछ सावधानियां बरत सकते हैं और जिस तरह की परिस्थितियां हमने देखी हैं पहले के समय में, उससे हमने कितना कुछ सीखा है। अब हम डिजिटल हो रहे हैं, डिजिटल माध्यम से अब हमारे जनप्रतिनिधि हमारे तक आएंगे, हम तक अपनी बातें पहुंचाएंगे, अपनी योजनाओं को लेकर आएंगे, तो एक तरह से ये अच्छा है और अच्छा कदम भी है, क्योंकि इससे कोरोना का प्रसार नहीं हुआ, क्योंकि एक डर था कि रैली और जनसभाओं से कोरोना का प्रसार हो सकता है, कोरोना बम फूट सकता है। कई वीवीआईपी लोग भी थे जो कि कोरोना संक्रमित हो रहे थे, तो वीवीआईपी लोग हो या आम जनता हो, सभी का जीवन ही मूल्यवान है, क्योंकि जब जीवित रहेंगे तभी आगे की जो अर्थव्यवस्था है, जो लोकतंत्र का पर्व है, वो चलता रहेगा। तो सभी कुछ निर्धारित समय पे हो रहा है, अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से चलना जरूरी है और लोकतंत्र का पर्व भी, क्योंकि लोकतंत्र भी सही तरीके से चलना भी काफी जरूरी है हर एक इंसान के लिए। तो सभी निर्धारित समय पे हो रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपना कर्तव्य निभाएं, सावधान रहें, लोगों से दूरी बना के रखें और बेवजह घर के बाहर ना निकलें। वीकेंड चर्चा में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।